समाकारिता की डेफिनेशन कर रहे थे कल, आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। क्या है थ्योरम नंबर एक? दिया हुआ है कि जी और जी डैश स्टेटमेंट आप स्वयं लिख लें, मैं स्टेटमेंट को दिया हुआ के रूप में लिख लेता हूँ। जी एवं जी डैश दो ग्रुप है एवं एफ जो फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश समाकारिता होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है ये लाइन? पार्ट फर्स्ट सिद्ध करना है एफ ई इजिकल टू ई डैश की ई क्या है, इसकी आइडेंटिटी है जी की, और ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की आइडेंटिटी है। कल भी हम बातचीत कर रहे थे कि ई तो ई के साथ संबंधित हो गई होगा, आज हम उसको गणितीय रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। तो किस ढंग से करें? माना ए बिलोंग्स टू जी, तो हम जानते हैं ए ई इजिकल टू ए इजिकल टू ई ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ऐसा ही होता है क्योंकि ई आइडेंटिटी है, तो ई किसी पर भी ऑपरेट करें तो वही अवयव स्वयं आ जाता है। दोनों तरफ एफ लगा दूं मैं, एफ ए ई इजिकल टू एफ ए इजिकल टू एफ ई ए। क्लियर है ये लाइन? और समाकारिता है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, एफ ए एफ ई एफ ए। क्लियर है ये लाइन? क्यों? क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म समाकारिता है, तो समाकारिता की डेफिनेशन कल यही बताई थी कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी होगा। क्लियर है? और अब ये जो चीज आ गई इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि एक ही इमेज क्या होगी, जी डैश में आएगी, यानी ये जो अवयव है वो किसका है, जी डैश का, ये भी जी डैश का है, ये भी जी डैश का है, ये भी जी डैश का है, ये भी जी डैश का। क्लियर है ये लाइन? तो जी डैश के एक अवयव पर यदि ये अवयव ऑपरेट करूं तो क्या आ रहा है, यही अवयव वापिस आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश की जो आइडेंटिटी है वो यही होनी चाहिए। क्लियर है? और हमें दिया हुआ है कि जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश, इसका मतलब एफ ही क्या होना चाहिए, ई डैश होना चाहिए। क्लियर है ये लाइन? दिस इंप्लाइज एफ ई जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट अवयव है, लेकिन परंतु ई डैश जी डैश का जब समक अवयव है, अतः क्या होना चाहिए, एफ ई मस्ट बी इक्वल टू ई डैश। हेंस प्रूफ। दो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकती ना, आइडेंटिटी कैसी होती है, अद्वितीय होती है, एक ही आइडेंटिटी होती है। यदि ई डैश आइडेंटिटी है तो इसका मतलब एफ ई और ई डैश सेम एलिमेंट होंगे। क्लियर है ये लाइन? सेकंड पार्ट में हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। सिद्ध करना है एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स, यानी कि किसी अवयव के इनवर्स की इमेज उस अवयव के इमेज का इनवर्स होता है। इस तरह सिद्ध करें, माना ए बिलोंग्स टू जी, तो हम जानते हैं तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ ए सॉरी ए ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। यही होगा, इनवर्स के डेफिनेशन से यही आना चाहिए। मैं दोनों तरफ एफ लगा दूं, एफ ए ए इनवर्स इजिकल टू एफ ई इजिकल टू एफ ए इनवर्स ए। लगा सकते हैं हम एफ, हटा नहीं सकते, ये ध्यान रहे। कल हम बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को ध्यान हो कि एफ ए इजिकल टू एफ बी हो तो ए बराबर बी कब होता था, जब एफ ए का कई हो। एफ हटा नहीं सकते, एफ लगा तो सकते हैं, ये ध्यान रहे। मतलब क्लियर है, हटेगा कब, जब एफ क्या हो, ए का कई हो। क्लियर है ये लाइन? 1-1 को
मेरे हिसाब से समझ में आ रही है, तो यहाँ भी मैंने एफ लगा दिया है, तो लगा तो सकते हैं, हटा नहीं सकते। यदि ये लाइन लिखी हुई हो दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम ये नहीं लिख सकते ए बराबर ए, ए बराबर ए तभी होगा जब एफ एक अकाई हो। जैसे फलन आप लोग जानते हैं कि एक अकाई नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ टू इज इक्वल टू फोर और एफ माइनस टू इज इक्वल टू भी फोर। क्लियर है ये लाइन है, तो दो अवयव की इमेज फोर फोर हो गई ना, क्लियर है। तो हम एफ टू इज इक्वल टू एफ माइनस टू, लेकिन टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, एफ हटा नहीं सकते, क्लियर है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, हम एफ लगा सकते हैं। या मान ले कोई दो संख्याएं इक्वल है, तो दो संख्याएं इक्वल हैं तो एफ लगा सकते हैं कि उनकी इमेजेस सेम होंगी, क्लियर है। इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम, दे विल बी सेम इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन, क्लियर है ये लाइन। एनीवे वो एक अलग मैटर था, मैं तो बात कर रहा हूँ एफ लगा दिया है तो क्या आ गया एफ ए, एफ ए इनवर्स अलग अलग कर सकते हैं हम, और एफ ई का मतलब ई डैश एफ ए इनवर्स एफ ए, क्लियर है ये लाइन है। क्यों? अगेन द सेम रीजन, क्योंकि एफ क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है ये लाइन है। और अब आप देख रहे हैं कि इन दो अवयव का ऑपरेशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, तो मतलब ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स, क्लियर है ये लाइन है। इनवर्स की डेफिनेशन यही होती है कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो बी ए का इनवर्स या ए बी का इनवर्स होता है, क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ भी क्या स्थिति बनेगी कि एफ ए इनवर्स क्या है, एफ ए का इनवर्स है, एफ ए का इनवर्स है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से क्लियर है ये लाइन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। हैंस प्रूफ, तो समाकारिता है तो हम इस इनवर्स को बाहर निकाल सकते हैं, कहने का मतलब यही है, क्लियर है ये। थोड़ा और आगे बढ़े हम, सेकंड थ्योरम बाद में देखेंगे, एक और छोटी सी थ्योरम करूं मैं, थर्ड थ्योरम। थ्योरम थर्ड दिया है, एफ इज फ्रॉम जी टू डी डैश समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है, एफ इज फ्रॉम जी टू जी डैश समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है, तो सिद्ध करना है एफ की आस्ती कर्नल ऑफ एफ के जी का उपग्रुप क्लियर है ये लाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस तरीके से कई बार पूछी भी जाती है। पहले तो डेफिनेशन लिखें कि क्या होती है आस्ती, कल हमने बताया था क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं एफ की आस्ती कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू ए इज व्हाट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, यही थी कंडीशन, क्लियर है ये लाइन है, ठीक है। हमें इस समुच्चय को सिद्ध करना है कि ये जी का उपग्रुप है। उपग्रुप सिद्ध करने के लिए तीन स्टेटमेंट या तीन स्टेप मैंने बताए हुए हैं मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी, वैसे भी आप लोग जानते हैं कौन कौन से वो तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप कि k इज नॉट इक्वल टू फाइव, k रिक्त, k रिक्त नहीं है, इज नॉट इक्वल टू फाइव, क्लियर है ये लाइन। कैसे प्रूव करें कि के में कम से कम एक अवयव है, हम चूंकि जानते हैं चूंकि एफ समाकारिता है, एफ इज फ्रॉम जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, अतः क्या होगा एफ बी इज इक्वल टू जी डैश होगा, क्लियर है ये लाइन है, ठीक है।
और जब एफ ई बराबर ई डैश आ गया, जब एफ एक्स बराबर ई डैश आ जाता तो एक्स किस में होता है, आस्टिव में होता है। किसी अवयव की इमेज ई डैश आ जाए तो वह अवयव किस में होगा, आस्टिव में होगा, कर्नल में होगा। तो इस अवयव की इमेज ई डैश आ रही है तो मीन ई बिलोंग्स टू के बाय डेफिनेशन ऑफ के, के की डेफिनेशन यही है। क्लियर है ये लाइन है? व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट दिस सेट इज नॉट एम्प्टी, के इज नॉट इक्वल टू फाइव, कम से कम एक अवयव ई तो है ही है। सेकंड पार्ट की ये जो है के इज ए सबसेट ऑफ जी, तो डेफिनेशन में यही कहता है कि उन सभी एक्स का जो जी के अवयव हैं वो आस्टिव में ही होंगे। क्लियर है ये लाइन है? तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एफ जी आस्टिव की परिभाषा से एक्स बिलोंग्स टू के इंप्लाइज, सॉरी x belongs to k implies x belongs to z, this implies k is a subset of z. Clear hai ye line? Third statement jo hai important part, wo kya hona chahiye ki for all a b belonging to k implies a b inverse belongs to k, ye hame sidh karna hai. Sub group ke liye condition thi, ek theorem thi sub group ke liye. क्या होता था कि सब ग्रुप कैसे सिद्ध करते थे, यदि एच के दो अवयव ले लें ए और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स यदि एच में आ जाए तो हम कहते थे कि एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा या उप ग्रुप होगा। क्लियर है ये लाइन? तो यहाँ पर भी हम वही काम करने जा रहे हैं। मैं क्या करूँ कि दो अवयव ले लूं ए और बी बिलोंग्स टू द के, यदि ये दोनों अवयव इसमें है आस्टी में है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनकी इमेज ई डैश होगी। यही एकमात्र शब्द दे रखी है, अपन कहें कि फलाना अफ्रीका में है और अपने को बता रखा है कि अफ्रीकन की क्या शर्त है कि उसके बाल घुंघराले हों, रंग काला हो, है ना। तो ऐसे ही है, यदि ये दो अवयव अफ्रीकन है तो इनकी शक्ल कैसी होगी कि एफ ए विल बी इक्वल टू ई डैश और एफ बी इज आल्सो इक्वल टू ई डैश। क्लियर है ये लाइन? मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बात। थोड़ा और आगे बढ़ू मैं, मुझे सिद्ध करना है कि एफ ए बी, सॉरी ए बी इनवर्स के में होगा। कब होगा? जब इसकी भी एफ इमेज क्या हो, ई डैश हो, तो इसकी एफ इमेज चेक कर लो। क्लियर है ये लाइन? अब ए बी इनवर्स की एफ इमेज मीन्स अलग अलग कर लो एफ ए एफ बी इनवर्स, क्यों? क्योंकि एफ इज होमोमोर्फिज्म, समाकारिता है। क्लियर है ये लाइन? एफ ए एफ बी होल इनवर्स। क्लियर है ये लाइन? क्योंकि अभी हमने थ्योरम सिद्ध की थी कि एफ बी एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स, क्यों? क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता है, तो पक्की बात है कि एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। क्लियर है ये लाइन? और एफ ए बराबर कितना है ई डैश, और एफ बी बराबर भी कितना है ई डैश का इनवर्स। क्लियर है ये लाइन? और ई डैश और ई डैश इनवर्स मीन्स ई डैश, और कुल मिला के क्या आ गया ई डैश, सिंस वी नो ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी का इनवर्स स्वयं आइडेंटिटी होती है। क्लियर है ये लाइन? अतः क्या आ गया एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ गया, यानी कि ए बी इनवर्स की इमेज भी कैसी आ गई, ई डैश आ गई, यानी कि घुंघराले बाल जैसी आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अफ्रीका में होगा, यानी कि ए बी इनवर्स कहाँ होगा, बिलोंग टू। क्लियर है ये लाइन? यही हम चाहते थे। तो मेरे हिसाब से सिद्ध करना आया होगा भी किस ढंग से हमें सिद्ध करना है। Therefore, for all a b belonging to k implies a b inverse belongs to k, और अतः k g का सब ग्रुप उप ग्रुप। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये रामायण, बहुत सिंपल सी कहानी थी जो हमें देखनी थी। एक थ्योरम और करते हैं छोटी सी, बता दो इधर से या उधर लिखता हूँ, चलो दो मिनट।
Param. Four. Yah. F is from G to G dash. Samakarita hai. Homomorphism hai. Part first. Yah hai. G. Abeli hai. Kram vinimay. G. Kram vinimay. अवेली है या क्रम विनिमय सिद्ध करना है जी का समाकारी प्रतिबिंब. समाकारी प्रतिबिंब क्या मतलब? भी क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय होगा. ये हमें सिद्ध करना है. अब इसका क्या मतलब है? होमोमॉर्फिक इमेज, वो भी किसकी? जी की. अवयव की इमेज क्या होती है? अवयव ए है तो उसकी इमेज एफ ए. और यदि कोई ग्रुप या समुच्चय की इमेज लेना चाहते हैं तो पूरा एक समुच्चय ही आएगा. उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? जैसे जी एक समुच्चय है, जी का समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा? एफ जी होगा. क्लियर है ये लाइन है? और इसमें क्या होंगे एलिमेंट्स? इसमें वो एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ ऑल एफ एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के अवयवों की इमेज सेट. जी के अवयवों का इमेज सेट. क्लियर है ये लाइन है? हमें इसको सिद्ध करना है कि ये भी कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है. क्लियर है? इसके दो अवयव ले लूं मैं. माना एफ एक्स और एफ वाई बिलोंग्स टू जी. एफ जी माना एफ एक्स कॉमा एफ वाई belongs to f g, जहां x और y क्या है? g के अवयव. क्लियर है ये लाइन है? मुझे क्या सिद्ध करना है कि f x f y is equal to f y f x. यही होता है ना कम्यूटेटिविटी, क्रम बदल दे. अब f x f y इंटीग्रल टू क्या आएगा? एफ एक्स वाई. क्यों? क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता है. एफ समाकारिता है इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ. और अब एफ एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ वाई एक्स. क्यों? क्योंकि दिया हुआ है जी क्या है? कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, या जी अबेलियन है. क्लियर है ये लाएंगे? क्योंकि जी क्रम विनिमय है या अबेलियन है तो मैं इसको वाई एक्स लिख सकता हूँ. और जब मैंने यूँ लिख दिया है तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, वो तो पता ही है. क्यों? क्योंकि एफ समाकारिता है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म. तो क्या आ गया? आता है एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ वाई एफ एक्स. क्लियर है ये लाइन है? मेरे हिसाब से समझ में आई होगी. ये रामायण सिंपल सी रामायण है. इट मीन्स एफ जी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी क्या है? कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय. तो ये छोटी छोटी थ्योरम थी जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे तो हम बड़ी थ्योरम करने में सक्षम हो पाते हैं. क्लियर है ये लाइन है? एक और छोटी सी बात ले, इफ जी इज साइक्लिक देन एफ जी इज ऑल्सो साइक्लिक. क्लियर है? क्या है? जी दिया है जी साइक्लिक चक्रीय है. क्लियर है ये लाइन है? जी चक्रीय ग्रुप. तो पक्की बात है इसका जनक भी होगा. क्लियर है ये लाइन है? माना ए जी का जनक, अर्थात व्हाट इज जी? जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए. अर्थात जी के हरेक अवयव को हम ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं. जी के हरेक अवयव को, जो भी जी के अवयव होंगे उनकी शक्ल कैसी होगी? ए की घात के रूप में होगी. क्लियर है ये लाइन है? और अब
सिद्ध करना है कि G की होमोमॉर्फिक इमेज यानी G का समाकारी प्रतिबिंब भी साइक्लिक है, चक्रीय है। क्लियर है ये लाइन है? किस तरीके से सिद्ध करें? माना X belongs to G, पहले चाहो तो ये इसकी डेफिनेशन लिख लो, यू ज्यादा ठीक है, यहाँ लिख लो माना या F G is equal to the set of all F X such that X belongs to Z, Z का समाकारी प्रतिबिंब। क्लियर है ये लाइन है? हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है कि एफ जी भी चक्रीय है, साइक्लिक, यानी कि इसके हर एक अवयव को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है? चक्रीय का मतलब यही है, तो हमें ये सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे सिद्ध करें? इसका एक अवयव ये ले लें, क्लियर है ये लाइन है? माना एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ जी, जहां व्हाट इज एक्स, एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी। क्लियर है ये लाइन है? अब चूंकि एक्स बिलोंग्स टू जी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जी में जो अवयव है उनकी शक्ल कैसी है, ए के पूर्णांक घातों के रूप में है। क्लियर है ये लाइन है? तो मैं इस एक्स को भी किस रूप में लिख सकता हूँ, ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स बिलोंग टू जी, तो देयर एग्जिस्ट सपोज एन बिलोंगिंग टू आई, कोई एक घन पूर्णांक या कोई भी पूर्णांक इस प्रकार होगा कि एक्स की शक्ल ए की घात के रूप में होगी, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एन। क्लियर है ये लाइन है? Therefore, f x is equal to f a की पावर n। क्लियर है ये लाइन है? और f a की पावर n का मतलब f a a a कितनी बार, n बार। क्लियर है ये लाइन है? और अब चूंकि f क्या है, समाकारिता है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करूं, इसको यहाँ लिखता हूँ, f a f a and so on so forth, f a कितनी बार, n n बार n times। क्लियर है ये लाइन है? और ये क्या आ गया, एफ ए की घात n, अर्थात एफ जी के प्रत्येक अवयव को एफ ए की पूर्णांक घात के रूप में, घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात व्हाट इज एफ जी, एफ जी इज सेट ऑफ ऑल एफ ए की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और अर्थात एफ जी क्या होगा, साइक्लिक होगा, चक्रीय है, एवं एवं इसका जनक कौन हो गया फिर, एफ ए हो गया। यदि जी का जनक ए है तो एफ जी का जनक एफ ए हो गया। क्लियर है ये लाइन है? So, F A जनक, यही हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बातें, क्यों? क्लियर है? आज इन छोटे छोटे जो थ्योरम्स की हैं, आप इनका चिंतन मनन कीजिए, समझिए, कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? आज का काम यहीं समाप्त करते हैं।